नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। ज्योति की साधना करने वाले साधक का हमारा संसार परिवर्तनशील संसार है। इसमें एक भी द्रव्य, एक भी तत्व ऐसा उपलब्ध नहीं होता जो न बदलता हो। हर पदार्थ बदलता है, हर द्रव्य बदलता है, और हम लोग बदलने को पसंद करते हैं। कोई भी बच्चा बच्चा नहीं रहता, युवा बनता है, युवा प्रौढ़ बनता है और आगे से आगे बदलता चला जाता है। बदलना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आदमी जैसा है वैसा रहना नहीं चाहता, अपने स्वभाव को बदलना चाहता है, आचरण को बदलना चाहता है, व्यवहार को बदलना चाहता है, संबंधों को बदलना चाहता है। दूसरे लोग भी चाहते हैं, धर्म गुरु चाहते हैं उनके अनुयायी बदले, सत्ता पर बैठे लोग चाहते हैं कि प्रजा बदले, जनता बदले। जनता चाहती है कि सिंहासन पर बैठने वाले बदले, एक दूसरे से बदलने की अपेक्षा रखता है। बदलना जहां संभव नहीं होता वहां फिर नियंत्रण आता है। आचार और व्यवहार को सीमित करना समाज के लिए अनिवार्य बन गया, या बदलने की बात और कोई न बदल सके तो फिर नियंत्रण की बात। पर नियंत्रण करने वाले भी जानते हैं, कठोर दंड व्यवस्था करने वाले भी जानते हैं ये पर्याप्त उपाय नहीं है, इससे सब कुछ ठीक नहीं होगा। आखिर वे भी बदलने की बात पर बल देते हैं। आज के राजनीति के क्षेत्र में ब्रेन वॉशिंग पर बहुत बल दिया जाता है, मस्तिष्क को बदला जाए। पुराना शब्द है हृदय परिवर्तन और आज का शब्द है मस्तिष्क परिवर्तन। हृदय बदले, हृदय क्या है और उसका अर्थ क्या है, यह भी आज एक विमर्शनीय विषय है, विमर्श मांगता है। कभी कभी शब्दों में बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। हमने हृदय को समझा है जो हार्ट, जो धड़कता रहता है और रक्त को फेंकता रहता है, उसे हृदय कहते हैं, और वे बदले, इस अर्थ में हमारी सारी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। किंतु आज की खोजों ने ये बात बहुत साफ कर दी, वह कोई बहुत महत्वपूर्ण अंग नहीं। उसका काम इतना ही है कि रक्त को फेंकना और धड़कते रहना, जीवन को चलाना। किंतु हमारे आचार और व्यवहार में उसकी कोई नियामकता नहीं है और उसका बहुत इसके अतिरिक्त मूल्य भी नहीं है। सचमुच एक प्रसंग है कि हृदय किसको माना जाए। मुझे लगता है यह शब्द का भ्रम हुआ है। प्राचीन अर्थ में भी हृदय का अर्थ यह हार्ट नहीं था, और इससे कोई बहुत बदलने की आशा भी नहीं की जा सकती। इसका बदलना और न बदलना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। हृदय हमारा होना चाहिए यह मस्तिष्क का भाव, मस्तिष्क का अगला हिस्सा, इसका नाम है हृदय, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो हिस्सा है मस्तिष्क का अगला हिस्सा, वह है हृदय। ये बदलता है
तो सारी बातें बदल जाती है। ये नहीं बदलता है तो कुछ भी नहीं बदलता। हृदयम चेतनाधिष्ठानम, चरक का एक वाक्य है कि जो चेतना का अधिष्ठान है वह हृदय है। यह हमारा हृदय, इसके बदलने पर बहुत सारी बातें बदल जाती है। हमारे शरीर में यह सबसे ज्यादा नियामक तत्व है, मनुष्य का आचार और व्यवहार प्रभावित होता है ग्रंथि तंत्र से। हृदय परिवर्तन का अर्थ होता है ग्रंथि तंत्र का संतुलन, हमारी ग्रंथियों का संतुलन होता है। और मुख्यतः पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल, इन चार ग्रंथियों का संतुलन होता है तो हृदय परिवर्तन होता है। इनमें असंतुलन पैदा होता है, हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। आदमी कोई काम करता है, काम करता है साथ साथ में तनाव से भर जाता है, असंतुलन पैदा होता है तनाव के कारण। सबसे बड़ा कारण है तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, वह तनाव असंतुलन पैदा कर देता है। अति श्रम, अति चिंतन, अति आवेग, ये सारे असंतुलन पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं और ग्रंथियों के कार्य में असंतुलन पैदा करते हैं। हमारी एक ग्रंथि है थायराइड, जो कंठ के मध्य की ग्रंथि है, उसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। हमारे बहुत सारी आदतों वृत्तियों का वह नियंत्रण करती है और शरीर का भी नियंत्रण करती है। चयापचय की सारी क्रिया थायराइड के द्वारा संपादित होती है। शरीर में प्रत्येक क्षण करोड़ों करोड़ों सेल मरते हैं और नए जन्मते हैं। ये जो चयापचय की क्रिया है, मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है, वे सारी क्रिया थायरोक्सिन के द्वारा संपादित होती है। थायराइड से एक स्राव होता है थायरोक्सिन, और उसके द्वारा ये सारी क्रिया संपादित होती है। तनाव पैदा हुआ, तनाव के कारण संतुलन बिगड़ गया, परिणाम ये होता है या तो कम स्राव होगा या ज्यादा स्राव होगा। यदि कम स्राव होगा तो आलस्य, थकान, प्रमाद, ये सारे घेरे रहेंगे। ज्यादा स्राव होगा तो तनाव फिर पैदा होगा, और अधिक तनाव होगा, निराशा होगी, दुश्चिंताएं प्रकट होगी। ये सारी क्रियाएं असंतुलन के कारण होती हैं। प्रजनन ग्रंथि है गोनाड, स्राव ज्यादा होता है आदमी ज्यादा कामुक बन जाता है, स्राव कम होता है आदमी नपुंसक बन जाता है। असंतुलन के कारण बहुत सारी स्थितियां पैदा होती है, और यह असंतुलन का मुख्य कारण बनता है मानसिक तनाव। ध्यान की पूरी प्रक्रिया मानसिक तनाव को मिटाने की प्रक्रिया है। मानसिक तनाव मिटे, यदि मानसिक तनाव मिटता है तो हृदय परिवर्तन होने में बहुत हमारी सुविधा हो जाती है। हम किसी को बदलना चाहते हैं, चेतना को बदलना केवल चेतना के स्तर पर ही घटित नहीं हो सकता। चेतना को बदलने के लिए चेतना को प्रभावित करने वाले रसायनों और विद्युत प्रवाहों को बदलना जरूरी है। जब तक हमारे भीतर के रसायन नहीं बदलते हैं, जब तक हमारे विद्युत के प्रवाह नहीं बदलते हैं, तब तक चेतना को कैसे बदला जा सकता है। आपने सुना होगा जहां वीतराग होता है तीर्थंकर होते हैं,
अर्हत होते हैं उनके पास दो विरोधी आदमी जाते हैं, बैर समाप्त हो जाता है, मित्र बन जाते हैं। आपने प्रतीक देखे होंगे कि सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, बिल्ली और चूहे पास पास में बैठे हैं, खेल रहे हैं, परस्पर खेल रहे हैं। बिल्ली चूहे को अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है और चूहा बिल्ली पर उछल कूद कर रहा है। क्या ये बात झूठी है? बिल्कुल नहीं, यह सब संभव बात है। और आज तो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा इन बातों को और अधिक प्रमाणित कर दिया है कि बिल्ली और चूहे के ऐसे प्रयोग किए कि चूहा बिल्ली से नहीं डर रहा है और बिल्ली में आक्रामकता समाप्त हो गई है। कैसे हुआ? पुराने जमाने की बात थी, उसकी व्याख्या हमें प्राप्त नहीं थी, किंतु आज के वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा वह व्याख्या प्राप्त हो गई है। जब वीतराग के पास कोई प्राणी जाता है तो वीतरागता की प्रचंड रश्मियां निकलती हैं और वे रश्मियां उन प्राणियों में प्रवेश कर और उनके मस्तिष्क की धारा को बदल देती है, उनकी विद्युत की धारा को, प्राण की धारा को बदल देती है। और जिस धारा के आधार पर बैर विरोध चलता था वह सारा समाप्त हो जाता है। ऐसा किया, प्रयोग किया गया कि बिल्ली के सिर पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, चूहे के सिर पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, दोनों को छोड़ दिया, दोनों सामने आते हैं, चूहा बिल्ली से प्यार करता है, बिल्ली चूहे से प्यार करती है, चूहा बिल्ली के पास जाता है, उछल कूद करता है और बिल्ली उसे पुचकारती है। बंदर के हाथ में केला दिया, इलेक्ट्रोड लगा है, बंदर के मस्तिष्क में एक भावना प्रवाहित की, केला खाने को आतुर हो रहा है। इतने में धारा को, विद्युत की धारा को बदला और बंदर ने केले को फेंक दिया। दो भयंकर सांड, बड़े खूंखार सांड मैदान में आते हैं और बीच में एक आदमी खड़ा है पूरे यंत्रों से सज्जित होकर। जैसे ही दोनों खूंखार सांड पहुंचते हैं, हजारों दर्शक देख रहे हैं और सबके प्राण कांप रहे हैं। जैसे जैसे दौड़ते दौड़ते निकट जा रहे हैं, कंठ सूखने लग गए, बस अब समाप्त और अब समाप्त, अब गया। इतने भयंकर खूंखार सांड कि यह कभी बचने वाला नहीं है। दोनों सांड पास में आते हैं, इतने में बस यंत्र का उपयोग, विद्युत की धारा का उपयोग और दोनों पास में आकर और एक विनीत शिष्य की भांति बिल्कुल शांत होकर खड़े हो जाते। हमने बहुत सुना है, पुराने ग्रंथों में पढ़ा है कि बड़ा उन्मत्त हाथी जो अनेक मनुष्यों को कुचलता हुआ जा रहा था, एक व्यक्ति के पास आया और बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो गया। यह सारा व्यवहार का परिवर्तन, आचरण का परिवर्तन क्यों होता है? जब तक हम व्यवहार और आचरण को प्रभावित करने वाले घटकों का ध्यान नहीं करते, जब तक उनका ज्ञान हमें नहीं होता, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता और हमें बहुत बड़ा एक रहस्य ही लगता है। किंतु जब यह बात समझ में आ जाती है कि आदमी का व्यवहार और जो आचरण है वह चेतना के द्वारा घटित होता है, किंतु चेतना रसायनों से प्रभावित होती है, उस प्रभावित चेतना के द्वारा घटित होता है। हमारी चेतना अप्रभावित चेतना नहीं है। कल साध्वी राजी मती जी का प्रश्न था आत्मा का, भेद विज्ञान का। मानता हूं बहुत ऊंची बात है हम सीधा आत्मा को पाएं, भेद विज्ञान करें, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न।
आत्मा भिन्न, चेतना भिन्न और पुद्गल भिन्न इस सच्चाई तक पहुंचे, पर अभी तो हम जिस चेतना को पकड़ पा रहे हैं वह चेतना सारी वृत्तियों की चेतना है, वह चेतना सारी लेश्या की चेतना है, वह चेतना सारी भावधारा की चेतना है। हम जो चेतना को पकड़ते हैं वे लेश्या की चेतना को पकड़ते हैं। हमारी चेतना में या तो क्रोध का प्रभाव होता है या अहंकार का प्रभाव होता है, अज्ञान का प्रभाव होता है, घृणा का प्रभाव होता है, किसी न किसी वृत्ति का प्रभाव होता है। शुद्ध चेतना और निर्मल चेतना का दर्शन कहाँ संभव है जब तक ये वृत्तियों का सघन घेरा, वृत्तियों का लिश्याओं का महान कवच और एक ऐसा वज्र पंजर हमारे पास पास बना हुआ है वह जब तक टूट नहीं जाता तब तक ये कभी संभव नहीं है। सबसे बड़ा घेरा तो अज्ञान का होता है, हमारे सामने शब्द भी आता है हम उसे पकड़ नहीं पाते, नहीं पकड़ पाते। अभी मैंने जैसे हृदय की चर्चा की, कितने लोग उलझे हुए हैं। योग में एक चर्चा आती है कि मरणं बिंदु पाते न जीवनं बिंदु धारणा, बिंदु के पतन से मरण होता है, बिंदु के धारण से जीवन होता है। बिंदु का अर्थ किया जाता है वीर्य, अगर वीर्य के पात से मरण होता तो आज कोई जीता ही नहीं रहता, कैसे जीता लगता नहीं। आज का डॉक्टर, आज का मेडिकल साइंस का विद्यार्थी इस बात को बहुत मूल्य भी नहीं देता, किंतु जो बिंदु का अर्थ था अर्थ खो गया। बहुत बार शब्दों की ऐसी गड़बड़ होती है, कोई कमजोर आदमी था, बीमार था, पूरा पच नहीं पा रहा था, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा तुम और खाना एक बार छोड़ दो, डबल रोटी खाया करो। किसी से पूछा कभी डबल का क्या मतलब होता है, रोटी का तो जानता ही था, तो डबल का अर्थ क्या होता है कि दूना। घर पर आया, रोज चार रोटी खाता था, आज पत्नी से कहा मुझे आठ रोटी खिलाना है। क्यों? कि डॉक्टर ने कहा है कि डबल रोटी खाया करो। ऐसी शब्द के अर्थ में गड़बड़ होती है कि मूल बात को पकड़ नहीं पाते, और जितना शब्दों ने उलझा रखा है अर्थ हमारे से दूर चलता जा रहा है, दूर होता जा रहा है और हम बहुत उलझते जा रहे हैं। तो यह शब्द की चेतना, क्रोध की चेतना, सारी वृत्तियों की चेतना हमारे सामने है, हम शुद्ध चेतना की अभी बात नहीं कर सकते, निर्मल चेतना के दर्शन की साक्षात्कार की बात अभी नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले ध्यान के द्वारा एक स्थिति का निर्माण करना होगा, समझौता करना होगा कि चेतना को छोड़ें, पहले चेतना को प्रभावित करने वाले रसायनों को समझें। जब तक हमें उनका ज्ञान नहीं होगा हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। दो दिन पूर्व एक प्रश्न था भाई का, जब हम प्रभावों की दुनिया में जीते हैं और हमें प्रभावित करते हैं, सौर मंडल के विकिरण हमें प्रभावित करते हैं, तो फिर यह ग्रहों की शांति के लिए किए जाने वाले उपक्रम, रत्नों का व्यवहार क्या सहायक नहीं बनता? मैंने कहा बनता है, उसका भी एक उपयोग है। तो फिर मेरे सामने एक भाई का प्रश्न आया है, यदि रत्नों का उपयोग, ग्रहों की शांति का उपक्रम, ये हमारी स्थिति को बदल सकता है तो कर्मवाद बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। प्रश्न तो ठीक लगता है, पर गहरे में उतरे
तो मुझे लगता है कि कर्मवाद को भी ठीक से नहीं समझा जा रहा है। कर्म को इतना अतिरिक्त मूल्य दे दिया कि हर बात कर्म पर थोपना चाहते। कर्म बेचारा छोटा सा एक घटक है, छोटा सा तत्व है, उसे इतना बड़ा क्यों बना दिया, उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसा क्यों बना दिया। ईश्वर को अस्वीकार करने वाले लोग यदि कर्म को सब कुछ मानने लगे तो मुझे लगता है कि ईश्वर को अस्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं होगा। ईश्वर भी सब कुछ नहीं कर सकता तो फिर कर्म सब कुछ कैसे कर पाएगा। हमारी दो स्थितियां होती है, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान अपना काम करता है और निमित्त अपना काम करता है। पता होना चाहिए कि कर्म का विपाक भी निमित्तों के सहारे होता है। यदि अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नहीं मिलता, अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो कर्म का विपाक भी निकम्मा चला जाता है। ये न माने कि कर्म का विपाक होगा ही, कर्म का विपाक होना भी परिस्थिति सापेक्ष है। कर्म बिना पके भी चला जा सकता है, कर्म को ऐसे ही भोगा जा सकता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। बहुत अच्छा कर्म किया हुआ है पर आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है, ये सोचता है भाग में लिखा वह हो जाएगा, तो वह भाग में लिखा कभी नहीं होगा, निकम्मा चला जाएगा। अच्छा कर्म भी निकम्मा चला जा सकता है और बुरा कर्म भी निकम्मा चला जा सकता है। अगर कर्म सब कुछ होता तो पुरुषार्थ को इतना मूल्य देने की आवश्यकता नहीं होती। स्याद्वाद की दृष्टि से सोचने वाले आचार्यों ने एक मार्ग सुझाया था और बहुत महत्वपूर्ण मार्ग मानता हूं उसे। उन्होंने कहा, काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ, कर्म, भाग्य, ये सारे अर्थवान हैं, कोई निकम्मा नहीं, किंतु इनमें ईश्वर कोई भी नहीं है, सर्वसत्तामान कोई भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी सीमा है। काल अपना काम करता है, स्वभाव अपना काम करता है, भाग्य अपना काम करता है और पुरुषार्थ अपना काम करता है। सबका समन्वय होगा तो घटना ठीक से घटित होगी, और किसी एक को पकड़ लिया तो तुम भी उलझोगे और उसको भी बदनाम करोगे। फिर कहोगे, इतना पुरुषार्थ किया कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इतना अच्छा कर्म किया और कुछ भी नहीं हुआ, कैसे होगा। तुमने एक को पकड़ लिया, एक को पकड़ने वाला समग्र को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। समग्रता वही फलित होती है जहां सबको साथ में संयोजित किया जाता है। हम इस बात में न उलझे कि दुनिया में हर वस्तु का अपना प्रभाव होता है। जिन लोगों ने रंगों के मूल्यों को समझा है, रंगों के कर्तृत्व को समझा है, वे इस बात को अस्वीकार नहीं करेंगे कि ग्रहों से आने वाले विकिरण, रत्नों के विकिरण या कपड़ों के रंगों के विकिरण या भोजन के रंगों के विकिरण, ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। रंग क्या है? एक प्रकाश ही तो है। प्रकाश का 49वां प्रकंपन का नाम ही है रंग। सूर्य की किरणों से आने वाले जो प्रकंपन हैं, उनमें से एक रंग होता है। रंग और प्रकाश कोई दो चीज नहीं है, प्रकाश की ही एक पर्याय है रंग, जो प्रकाश का प्रभाव होता है। यदि उचित रंग मिले तो उस प्रभाव को बदला भी जा सकता है। इसलिए कर्म को भी हम मूल्य दें, किंतु कर्म के बदलने की बात को भी हम भूले नहीं। हम इस बात को मानकर चलें, रसायनों को बदलना, विद्युत के प्रवाहों को बदलना हमारी साधना का एक मुख्य लक्ष्य है। जैसे जैसे
हम शिथिलीकरण की अवस्था में जाते हैं। जैसे जैसे हम जागरूकता की अवस्था में जाते हैं, हमारे रसायन बदलने शुरू हो जाते हैं। रसायनों को बदलने का एक सबसे पहला महत्वपूर्ण उपक्रम है शिथिलीकरण, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के दो अर्थ होते हैं, शिथिल होना, शरीर को छोड़ देना, शरीर की प्रवृत्तियों को छोड़ देना। दूसरा अर्थ होता है अपने प्रति जागरूक होना। ये दोनों तनाव को कम करने वाले हैं। शिथिल व्यक्ति तनाव से भरा नहीं होगा। तनाव के कारण हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। हमारे सारे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, प्रियता, प्रियता का संवेदन, घृणा, भय, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे आंतरिक कारण हैं जो तनाव पैदा करते हैं। बाहर में तनाव के निमित्त हैं, एक कटु वचन कहा और भीतर में क्रोध था, क्रोध जाग गया, तनाव से आदमी भर गया। पैदा करने वाले कारण और निमित्त बनने वाले कारण हमारे चारों तरफ हैं। हर क्षण में आदमी तनाव से भर सकता है। शायद बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में 50 बार तनाव से भर जाते, तनाव निकल नहीं पाता, अकड़न और फिर और अकड़न हो जाती है। आज खोजा गया, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये खोज की है, अहंकार जितना प्रबल होता जाता है, शरीर में ऐंठन बढ़ती जाती है, अकड़न बढ़ती जाती है, तनाव बढ़ता जाता है, और होते होते शायद पथरी की स्थिति भी बन जाती है। शरीर मन से प्रभावित होता है, मन शरीर से प्रभावित होता है, और दोनों का संबंध बराबर चलता रहता है। तो हमारे पास तनाव के कारण मौजूद है, हमारे पास तनाव के निमित्त भी मौजूद हैं। इस स्थिति में हम तनाव से मुक्त कैसे हो सकते हैं? योग के आचार्यों ने इस विषय पर खोज की तो उन्होंने सबसे पहला कारण खोजा, मंद श्वास, दीर्घ श्वास। आप लोग दीर्घ श्वास का प्रयोग कर रहे हैं। दीर्घ श्वास का मतलब होता है मंद श्वास, श्वास को मंद करना, श्वास की गति को कम करना। श्वास जैसे जैसे मंद होगा, शिथिलीकरण अपने आप प्राप्त होगा। आप बैठ गए, लेट गए, शरीर शिथिल हो जाए कोई जरूरी नहीं है। आदमी नींद में सोता है, शिथिल होना कोई जरूरी नहीं है। नींद में भी बहुत तनाव होता है। ये नींद में लोग बहुत बकवास भी करते हैं, बड़बड़ात करते हैं, बोलते हैं, ज्यादा सपने आते हैं, क्योंकि तनाव से भरे रहते हैं। नींद में भी बड़ा तनाव होता है। नींद से सोकर उठते हैं, अनुभव करते हैं कि नींद तो ली पर हल्कापन नहीं आया, शरीर पूरा हल्का नहीं हुआ, पूरी शांति नहीं मिली, क्योंकि तनाव तो भरा रहता है। तनाव मिटाने का सबसे पहला सरल उपाय है मंद श्वास का प्रयोग। श्वास जितना मंद होगा, उतना तनाव मिटेगा, उतना अच्छा शिथिलीकरण होगा। मंद श्वास यानी लंबा श्वास। एक श्वास हमारा छोटा होता है। कुछ लोग छोटे श्वास को भी सहज श्वास मानकर भ्रम में पड़ जाते कि जो हमारा सहज श्वास चलता है उसमें कोई प्रयत्न नहीं करना होता और श्वास को मंद करने में प्रयत्न करना होता है। मैं मानता हूं ये प्रयत्न वाली भ्रांति भी मिटा लेनी चाहिए। ध्यान के साथ अप्रयत्न है ये बात अच्छी है, पर आवश्यक प्रयत्न भी करना कोई बुरी बात नहीं। एक बार हम प्रयत्न करते हैं, संकल्प करते हैं, किंतु उस प्रयत्न के द्वारा परिणाम में अप्रयत्न हमें प्राप्त होता है। मंद श्वास हुआ, शिथिलीकरण होगा।
जहां हम एक मिनट में 15 श्वास लेते हैं, वहां मंद श्वास होने पर एक मिनट में 12, 6, 4, 3, 2, 1 श्वास हो जाता है। आज हमने प्रयोग किया मंद श्वास का अभी, और देखा तो कुछ लोगों ने बताया कि एक मिनट में 2 श्वास आए, कुछ ने कहा 4 आए, कुछ ने कहा 6 आए। तो श्वास मंद हो जाता है, और जब श्वास मंद होता है तो दोनों स्थितियां बनती है, शिथिलीकरण और जागरूकता, श्वास के प्रति जागरूकता। जागरूकता को बढ़ाने का सबसे पहला साधन है श्वास की मंदता। जिस व्यक्ति ने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया, उसने जागरूकता का पाठ पढ़ लिया। इसके साथ साथ एक चर्चा और करना चाहता हूं। हम लोग मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, नहीं चाहते कि तनाव रहे, पर मिट नहीं पा रहे हैं, और इसलिए नहीं मिट पा रहे हैं कि विकल्प पर विकल्प, विचार पर विचार, चिंतन पर चिंतन, ध्यान करने भी बैठते हैं तो विकल्प सताने लग जाते हैं। कितनी कल्पनाएं आती हैं, कितने विचार और अनाहूत विचार आते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता। जैसे मक्खियां बिना निमंत्रण के आती हैं, कोई बुलाता नहीं, अपने आप आती है। मच्छर निमंत्रण दिए बिना आते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, रात पड़ती है और थोड़ा सा स्थिर होते हैं, मच्छरों का आक्रमण हो जाता है। अनाहूता समायान्ति, बिना निमंत्रण के मक्खियां आती हैं, मच्छर आते हैं। वैसे ही निमंत्रण के बिना ये विचार, विकल्प, चिंतन आते रहते हैं। कैसे शांत करें, कैसे शिथिलीकरण हो? एक विचार आया, तनाव बढ़ गया, विकल्प आया, तनाव बढ़ गया, शांत कैसे हो? दूसरा उपाय, जीव को शिथिल करना। एक बहुत बड़ा रहस्य है जीव का कायोत्सर्ग। हम पूरे शरीर का शिथिलीकरण करते हैं, पूरे शरीर का कायोत्सर्ग करते हैं। पूरे शरीर का कायोत्सर्ग करना भी बहुत अच्छा है, हमारा अभ्यास होना चाहिए कि शरीर के हर हिस्से का कायोत्सर्ग कर सकें। अगर एक अंगुली को शिथिल करना है तो एक अंगुली को शिथिल कर सकें, और पूरे हाथ को शिथिल करना है तो पूरे हाथ को शिथिल कर सकें। चलते हम चलते हुए भी हाथ को शिथिल कर सकते हैं, चलते हुए सिर को शिथिल कर सकते हैं, चलते हुए पैर को भी शिथिल कर सकते हैं। हमारे शरीर में क्षमता है, एक बड़ी क्षमता है। अगर हमारा अभ्यास पटु हो जाए तो सिर के एक बाल को आदमी हिला सकता है। अंगुली हिलाने में कोई बात बड़ी नहीं मानी जाती कि हम जब चाहे तब अंगुली को हिला सकते हैं, जब चाहे तब पैर को हिला सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, पर कान को तो नहीं हिला सकते ना। यह माना गया है कि योगी का पहला लक्षण होता है कि जो कान, जिसके कान हिलते हो, हिल सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। जैसे अंगुली हिलती है वैसे ही कान हिल जाता है, बराबर हिलता है। ये कोई पढ़ी सुनी बात नहीं कह रहा हूं, हिलता है, ये अनुभव की बात है। हिलता है कान भी, एक बाल भी हिल सकता है। हमारे शरीर में बहुत विचित्रताएं हैं, बहुत रहस्य भरे पड़े हैं। जीव एक बहुत रहस्यपूर्ण अवयव है हमारा। यदि जीव का कायोत्सर्ग करना जान ले, जीव को शिथिल करना जान ले, जीव को टिकाना जान ले, तो मन को टिकाने की समस्या आपकी हल हो गई। जिस व्यक्ति ने जीव को स्थिर करना सीख लिया, उसने मन को शांत और निर्विकल्प करना सीख लिया। विकल्प पैदा होता है शब्द के द्वारा,
बिना शब्द के कोई विकल्प पैदा नहीं होता। सारे विकल्प शब्द से पैदा होते हैं और शब्द पैदा होता है स्वर यंत्र के द्वारा। एक स्वर यंत्र और दूसरा जी, ये दो ऐसे रहस्य हैं जो व्यक्ति निर्विचार निर्विकल्प निश्चिंतन होना चाहता है, तनावों से मुक्त होना चाहता है, उसे इन दो रहस्यों पर ध्यान देना ही होगा। जिसने इन दो रहस्यों को नहीं समझा, इनके प्रति लापरवाह रहा, वह उस स्थिति को नहीं पा सकेगा। विद्यार्थी को बड़ी एक शौक थी, सफेद खरगोश पाला, बड़ा प्यार करता, प्यार तो करता किंतु बड़ा लापरवाह, ध्यान ही नहीं देता, शौक भी और लापरवाही भी, दोनों बातें साथ साथ चलती। माँ ने देखा कि सार संभाल नहीं कर रहा है ठीक से और बेचारा खरगोश ऐसे ही दुख पा रहा है, किसी को दे दिया जाए। माँ ने दे दिया दूसरे को। एक दिन ध्यान आया कि मेरा सफेद खरगोश कहाँ है, गया बोला माँ सफेद खरगोश कहाँ है, कि मैंने तो बेच दिया। कैसे बेचा, मुझे बहुत प्रिय था, तुम ध्यान ही नहीं देते कभी, पता है कितने दिन हो गए, ये तो पता नहीं। माँ ने कहा 10 दिन हो गए, आज 10 दिन के बाद तुम्हें खरगोश याद आया है। हम ध्यान नहीं देते, जागरूकता नहीं, और जागरूकता के बिना हमारा ध्यान नहीं जाता। ये दो ऐसे सफेद खरगोश हैं, यदि जागरूकता हो तो मैं मानता हूं कि हमारी बहुत सारी समस्याएं, मानसिक उलझनें समाप्त होती है। सबसे बड़ी समस्या मैं मानसिक समस्या को मानता हूं, शारीरिक समस्या उतनी विकट नहीं है, विकट है मन की समस्या। और मन की समस्या का समाधान पाने का सबसे अच्छा साधन है स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग। स्वर यंत्र को शिथिल करें, कंठ के भाग पर ध्यान केंद्रित करें और कंठ को शिथिल करें। कंठ को शिथिल करने का अर्थ है कि आपने ठीक नाड़ी पर हाथ दे दिया। बहुत बार बड़ी भ्रांति होती है, पुराने जमाने की, बहुत पुराने जमाने की नहीं, जब घड़ियां चल पड़ी थी तब की बात है, वैद्य लोग निदान करते हैं नाड़ी को देखकर। रोगी था, वैद्य के पास गया और बोला कि बीमार हूं, निदान करें और दवा दें। वैद्य किसी ध्यान में था, हाथ पकड़ा, देखा और थोड़ी देर बाद बोला कि तुम्हारी नाड़ी तो बहुत चंचल चल रही है, क्या ज्वर हो गया तुमको, नाड़ी बहुत चंचल है। रोगी बोला वैद्य जी क्या बताऊं, आपका हाथ तो मेरी घड़ी पर था, मेरी नाड़ी पर तो था ही नहीं, हाथ तो घड़ी पर था। जब हाथ सही जगह नहीं टिकता, नाड़ी सही नाड़ी पर नहीं टिकता, तो निदान नहीं हो सकता। हम अभी निदान नहीं कर पा रहे हैं, अनेक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहते हैं, प्रयोग कर रहे हैं, पर प्रश्न यही रहता है कि ध्यान करते हैं, बैठते हैं, समय भी लगाते हैं, पर विकल्प तो शांत नहीं होते, विचार तो शांत नहीं होते, वे तो सताते रहते हैं। सही निदान करें, निदान तब होगा कि चिंतन, स्मृति, कल्पना, विचार, विकल्प, ये सारे शब्द के होते हैं। शब्द पैदा होता है स्वर यंत्र के द्वारा और शब्द निकलता है जीव के द्वारा। स्वर यंत्र चंचल होगा, जीव चंचल होगी, विकल्प आएंगे। स्वप्न शास्त्रियों ने परीक्षण किया कि जब एक व्यक्ति रात को सो रहा है, स्वप्न आ रहा है, स्वप्न के समय में भी स्वर यंत्र सक्रिय और जीव सक्रिय। आप निर्विकल्प अवस्था पा लें, स्वर यंत्र सक्रिय नहीं होगा, जीव सक्रिय नहीं होगी। या स्वर यंत्र को निष्क्रिय बनाए, जीव को निष्क्रिय बनाए, फिर कोई विकल्प नहीं होगा। ये सही निदान हमारे हाथ में लग जाए तो मुझे लगता है
कि ये मानसिक समस्या जटिल नहीं होगी। तो चर्चा हो रही है मनोबल के बढ़ाने की। मनोबल क्षीण होता है तनाव के द्वारा, उलझनों के द्वारा, ग्रंथि तंत्र के असंतुलन के द्वारा। तो मनोबल को विकसित करने का एक हमारे पास एक बड़ा नुक्शा है, और वह है शिथिलीकरण और जागरूकता का समन्वय। दोनों का समन्वय हो, शिथिलीकरण भी बढ़े, कायोत्सर्ग भी बढ़े और हमारी जागरूकता भी बढ़े, दोनों साथ में समन्वित होते हैं, तो मुझे लगता है कि मनोबल को घटाने वाले सारे साधन समाप्त होते हैं और मनोबल को बढ़ने का, शक्ति के स्रोत को प्रकट करने का एक बड़ा साधन होता है अशब्द अवस्था। जिस अवस्था में हम अशब्द होते हैं, शब्दातीत होते हैं, तो हमारी शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। ये अशब्द अवस्था की आराधना के लिए हम कायोत्सर्ग, शिथिलीकरण, जीव का कायोत्सर्ग, स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग, मंद श्वास का प्रयोग करें। मुझे बहुत लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी छोटी सी बात में एक इतना बड़ा रहस्य आपको उपलब्ध होगा। मैं विश्वास दिलाऊं, जरूरी नहीं समझता, नहीं कस्तूरी का गंध है सपथे नानुभाग्यते। कस्तूरी में गंध होती है, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि कस्तूरी में गंध होती है। कस्तूरी की गंध का विश्वास दिलाने के लिए कोई सौगंध खाने की जरूरत नहीं। तो जो अनुभव और प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके लिए मुझे कोई सौगंध खाने की जरूरत नहीं, विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं। ये प्रयोग की चर्चा है, स्वयं करें और देखें, आपको स्वयं विश्वास होगा, पता होगा, और फिर मुझे कभी आपको इसके लिए एक बल के साथ कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ये तो करना है, अनुभव करना है, स्वयं प्रयोग करना है और स्वयं उसके परिणाम